लैब्राडोर रिट्रीवर ब्रीड के सीजर के शव को तिरंगे में लपेटा गया तो मुंबई पुलिस की आंखें भी नम हो गई। सीजर उन सभी श्वानों में इकलौता जिंदा बचकर लौटा था जिन्हें मुंबई पुलिस ने 26 नवंबर 2008 को शुरू हुए मुंबई आतंकी हमले के दौरान बम ढूंढने के लिए लगाया था। जब आतंकियों ने मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हमला किया था तब सीजर ही था जिसने आतंकियों के हैंड ग्रेनेड को खोजकर बड़ी तबाही को नाकाम किया था। 10 साल तक सीजर मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वाड का हिस्सा रहा लेकिन रिटायर होने के साल भर बाद ही हार्ट अटैक की वजह से कल उसकी विरार के फार्म हाउस में मौत हो गई। पुलिस कमिश्नर ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि बहादुर सतर्क और कुशल सीजर अपनी सेवाओं के लिए प्यार से याद किया जाएगा।